दो दर्जन से जायद शायद इलेक्टेबल्स आपके कहने पे या आपकी कोशिशों से शामिल हुए, इससे ज्यादा भी कम नहीं। अंदाजन अमाउंट कितनी होगी जो आपने दिलवाई है उनको? मेरे ख्याल में ओवर 1 बिलियन। ओवर 1 बिलियन? यस। अब जब मैं रियलाइज करता हूं तो मैं समझता हूं कि खान साहब ने हमें भी बनावटी बन के धोखा दिया। वो नहीं थे जो थे, कैश का कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन वजीर जी साहब झूठ नहीं बोल रहे। जहांगीर तरीन साहब जिस दिन वो आए, उन्होंने आते साथ ही पहली एक लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ 0 मीटर जो अभी खान साहब ने वापस किया, हमीद अरुण साहब को और शकील रहमान को एड बंद करो, पकड़ो, केसेस बनाओ। आरटीएस का बंद होना, इसकी ब्रीफिंग थी तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका पासवर्ड जुबानी याद कर लिया। अच्छा। और उसको बंद कर दिया। धरने थे या फिर जो इस्लामाबाद लॉकडाउन का था उसमें भी खुफिया एजेंसियां शामिल थी, काफी हद तक शामिल थी। मौलाना साहब ने एक बात जरूर की कि मखसूस लॉबी जो है ये उसके असर के अंदर काम करके इस मुल्क को डुबाएगा। मैं उस वक्त तो नहीं मानता था, लेकिन जिस तरीके से ये गवर्नेंस कर रहे हैं और जिस तरीके से ये मुल्क को लेके गए हैं टेक्निकली, मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्रेंसी का हिस्सा है।